नमस्ते फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पनीर चिल्ली बनाने जा रहे हैं। आज हमारे घर पे पनीर चिल्ली बच्चे लोग बोल रहे थे बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। आज मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। चलिए फिर चलते हैं, बनाकर दिखाती हूँ आपको पनीर चिल्ली। ये देखिए हमारा ये कैप्सिकम और ऑनियन है और ये पनीर, इसको हम अभी मैरिनेट करेंगे। और ये धनिया पत्ती, लहसुन और ये आदी है, हरी मिर्च है और ये होममेड सॉस है और ये केचप है। और अभी हमारे पास ये सब भी है, वो कॉर्नफ्लोर भी है। चलिए फिर हम बना, 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे पनीर में, और इसमें थोड़ा नमक, नमक स्वाद अनुसार। इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। और ये हमने होममेड जो सॉस बनाया था ना, उसको इसमें डालेंगे और फिर इसमें मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे। चढ़ा रहे हैं गैस पे और थोड़ा इसमें ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए पनीर को, मैरिनेट पनीर को। ऑयल गरम होने के बाद इसमें पनीर डालेंगे, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। ये वो पनीर है और मैं कढ़ाई में थोड़ा तेल डालूंगी और ये चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक और मिर्ची है जो मैं इसमें डालूंगी। फिर इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे, और इसमें थोड़ा नमक डाल लेंगे। और ये कैप्सिकम डालेंगे, उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए इसे ढक दे रहे हैं थोड़ा प्याज गलने के लिए। देखिए इसमें थोड़े मसाले डालेंगे, तो गुलकी का पाउडर है थोड़ा सा डालना है और हल्दी का पाउडर, थोड़ा हल्दी, ये धनिया पाउडर डालिए, सॉस डालेंगे। और ये फ्रेंड थोड़ा टोमेटो केचप डालेंगे। ये हम 2 चम्मच डाल करके ये तो डालेंगे इसमें पानी में घोल के ग्रेवी के लिए। ये ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि हमें बच्चे रोटी के साथ खाएंगे इसे, पराठे के साथ। और इसमें हम पनीर डालेंगे ग्रेवी में, फ्राई किया हुआ पनीर। देखिए इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे और थोड़ा कसूरी मेथी, सिर्फ अच्छा टेस्ट आता है। देखिए प्लेट में इसे गार्निश करेंगे, देखिए कितना बढ़िया पनीर सजाएंगे। ये देखिए कितना टेस्टी बना है।